फ्रेंड्स, रेवेशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। और फ्रेंड्स, आप घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज मैं आपको कपड़े से घर पर ही फेस मास्क बनाना बताऊंगी। यदि आपको फेस मास्क की जरूरत है और बाजार में नहीं मिल रहा है, तो आप घर पर ही बहुत ही आसानी से फेस मास्क बना सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको फेस मास्क बनाने के दो तरीके बताऊंगी फ्रेंड्स। जो तरीका आपको अच्छा लगे और इजी लगे वो यूज कर सकते हो आप, या आप यू कहे कि आप उस तरीके से आप बना सकते हो जो आपको इजी लगे। मास्क बनाने के लिए फ्रेंड्स, ये देखिए, ये बहुत ज्यादा कपड़ा मोटा नहीं ले और बहुत ज्यादा पतला भी नहीं ले। ये मीडियम साइज कपड़ा है, ना ही मोटा है और ना ही बहुत ज्यादा पतला है। तो इसकी साइज आपको लेनी है, ये देखिए फ्रेंड, चौड़ाई है इसमें 7 इंच और इसकी लंबाई है 9 इंच की। और इसी के बराबर हमें अस्तर लेना है। ये देखिए, ये बहुत ज्यादा मोटा कपड़ा नहीं है और ना ही बहुत ज्यादा पतला कपड़ा है। इसका आपको अस्तर लेना है, ये डबल करने है आपको। ये देखिए, इस तरह से आपको इसी के बराबर काट लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको डबल कर लिया है। और फ्रेंड, अस्तर अंदर की तरफ रखना है और बाहर हमारा मेन फैब्रिक रहेगा इस तरह से। अब हम अस्तर को फिक्स करने के लिए इसके चारों तरफ एक सिलाई लगा देंगे पूरे में। अब हम इसकी ये 9 इंच जो लंबाई आ रही है उसके दोनों तरफ की साइड को हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। एक फोल्ड ऐसे लगाना आपको और दूसरा फोल्ड इसी तरह से ऐसे लगाना। और इस साइड भी हम इसी तरह से फोल्ड लगा लेते हैं डबल फोल्ड करके। ये दोनों तरफ हमने डबल फोल्ड कर लिया। अब हम इस साइड में भी फोल्ड लगाएंगे। उससे पहले आपको फोल्ड इस तरह से लगाना है, ये देखिए, ऐसे ऐसे रख के आपको इलास्टिक यहाँ पे लगाना है। तो इसके लिए हम इलास्टिक लेंगे और इलास्टिक की साइज करीब करीब आपको इसकी लंबाई से थोड़ा सा छोटा लेना। ये देखिए, इतना आप ले सकते हैं। इसको मैं आपको नाप के बता देती हूँ कि आपको कितना लेना है। ये देखिए, करीब करीब आप 5.25 इंच आप ले सकते हैं। और इसको हम डबल कर लेते हैं क्योंकि हमें डबल चाहिए, इधर भी लगाना और इस साइड भी लगाना। अब हमें इस तरह से एक फोल्ड लगाना है ऐसे, और दूसरा फोल्ड लगाते समय आपको इलास्टिक को ऐसे रखना है यहाँ पे, और दूसरे फोल्ड में आपको इलास्टिक को दबा देना है इस तरह से। और आपको इस तरह से यहाँ पे पक्का कर लेना है फ्रेंड्स थोड़ा सा। अब आपको इसी तरह से यहाँ पे भी इलास्टिक रखना है और इसको इस फोल्ड में दबा देना है इस तरह से। देखिए, इधर भी हम इसी तरह से फोल्ड कर देंगे। एक फोल्ड ऐसे लगा देंगे और दूसरा फोल्ड लगाते समय इलास्टिक को ऐसे ही रखेंगे और उसमें दबा देंगे ऐसे। यहाँ पे भी आपको इलास्टिक को ऐसे ही दबा देना है। अब हम प्लेट्स के लिए मार्किंग कर लेते हैं। तो पहले आप इसको डबल फोल्ड कर ले इस तरह से और इसका सेंटर निकाल लें और एक फोल्ड और कर ले इसी तरह से, ताकि प्लेट आपकी जब डले वो बराबर आ जाए।
तीन जगह मार्किंग इधर लग गई है और इधर भी तीन जगह मार्किंग लग गई है। अब हम यहाँ पे एक प्लेट डाल लेते हैं छोटी छोटी, इस तरह से, ये देखिए आधा इंच करीब आपकी प्लेट डलेगी यहाँ पे। और ध्यान रखिए आपकी सिलाई इलास्टिक के ऊपर नहीं आनी चाहिए, नहीं तो ये अंदर से दब जाएगा, इसलिए इलास्टिक को थोड़ा आप साइड में रखें जब आप प्लेट डालो तब। ये देखिए इस तरह से आपके प्लेट डलेगी। अब हम इधर भी इसी तरह से प्लेट डालेंगे, एक प्लेट यहाँ डलेगी, दूसरी प्लेट यहाँ पे और तीसरी प्लेट यहाँ पे। और आप प्लेट डालते समय इलास्टिक को देख ले फ्रेंड्स कि इलास्टिक आपका नीचे सिलाई में तो नहीं दब रहा है। एक्स्ट्रा धागे को आप काट लें। ये देखिए फ्रेंड्स ये मास्क बन गया है, फेस मास्क बन गया है। अब हम आयरन करके इन प्लेटों को अच्छे से जमा देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा मास्क बनकर तैयार हो गया और अब हम आपको दूसरे तरीके से मास्क बनाना बताएंगे। और ये देखिए सीधी साइड इस तरह से आएगा ये। तो अब मैं आपको बताऊंगी दूसरा तरीका, उसके लिए कपड़े के साइज हमने सेम लिए। ये देखिए लंबाई इसमें 9 इंच है और चौड़ाई इसमें 7 इंच है और ये हम डबल ले रहे हैं और सेम कपड़ा है। ये बहुत ज्यादा मोटा कपड़ा भी नहीं, बहुत ज्यादा पतला भी नहीं, ये मीडियम साइज कपड़ा है और बहुत ज्यादा मोटा कपड़ा भी नहीं ले। अब हम इसके चारों तरफ एक सिलाई लगा देते हैं और उसको दोनों कपड़े को फिक्स कर लेते हैं। अब हम 9 इंच जिधर है देखिए दोनों तरफ 9 इंच जो लंबाई है उधर से हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। देखिए ऐसे आपको डबल फोल्ड लगाना है और अब हम इस तरफ फोल्ड लगाएंगे और उसमें इलास्टिक डालेंगे। तो पहले हम इलास्टिक कट कर लेते हैं कि हमें कितना इलास्टिक लेना है। इलास्टिक हम 7 इंच का लेंगे। अब हमें इलास्टिक को इस तरह से लगाना है, ये देखिए इस तरह से इसको ऐसे लगाना। लेकिन आप सिलाई लगाते समय ध्यान रखें सिलाई इलास्टिक के ऊपर नहीं आनी चाहिए। एक फोल्ड आपको इस तरह से लगाना छोटा सा और फिर इस तरह से लगाना ऐसे। और फ्रेंड्स अगर आपसे इस तरह से नहीं लगे तो आप एक फोल्ड पहले आप सिलाई लगा लें फिर इसमें पिन से इलास्टिक डाल दें। और अब आपको इलास्टिक को इस तरह से खींच लेना और यहाँ पे एक सिलाई लगा देनी, पक्का कर लेना यहाँ पे आप। और इस साइड भी हम इसी तरह से कर लेंगे। इसे भी हम यहाँ पे सिलाई से इसको बंद कर देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स दूसरे तरीके से मैंने आपको फेस मास्क बनाना बता दिया। ये हमने सिलाई लगाई इसको आप अंदर कर सकते हो, इधर से अगर आप इलास्टिक को इस तरह से खींचोगे तो वो अंदर चला जाएगा। ये देखिए ये जॉइंट अंदर हो गया हमारा। ये देखिए इसमें हमने इलास्टिक को फ्री रखा, यहाँ कहीं स्टिच नहीं किया है फ्रेंड्स, ये देखिए। और ये बहुत ही इजी तरीका है बनाने का मास्क का और मैंने दोनों तरीके से आपको मास्क बनाना बताया। आपको जो तरीका अच्छा लगे उस तरीके से आप मास्क बना सकते हो। इस तरीके से फेस मास्क बनाकर आप भीड़ वाली जगह पर यूज कर सकते हैं और जिनको डस्ट से एलर्जी है वो लोग भी इसे यूज कर सकते हैं। और यदि आपको वायरल इन्फेक्शन की वजह से अगर छींक या खांसी आ रही है तब भी आप इस मास्क को लगाकर बाहर जाएं ताकि दूसरे लोगों को इन्फेक्शन नहीं फैले।
एक बात का ध्यान जरूर रखें कि इसे यूज करने से पहले आप गर्म पानी से धोकर ही यूज करें और यूज करने के बाद फेंकने की जरूरत नहीं है। इसे साबुन और गर्म पानी से साफ करके रीयूज कर सकते हैं, यानी कि आप दोबारा इसे यूज कर सकते हो। और जो अब हमारे पास कपड़े के बैग आते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए कैरी बैग, इससे भी आप फेस मास्क बना सकते हैं। अगर आपको इसका वीडियो देखना है तो स्क्रीन पर दिए गए लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं, और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, वहां जाकर भी आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स।